एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र के जामगेट क्षेत्र के छोटा जामफील्ड फायरिंग रेंज के समीप देर रात घूमने गए दो आर्मी के ट्रेनी अधिकारी और महिला मित्रों के साथ बदमाशों ने मारपीट कर बंधक बनाकर 10 लाख रुपए की मांग। आर्मी अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सेना के दो यंग ट्रेनी अफसरों व महिला मित्रों के साथ मारपीट व लूटपाट का मामला सामने आया। पुलिस द्वारा मामले में सरगर्मी से आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना देर रात के बड़गोंदा थाना क्षेत्र के जाम गेट की बताई जा रही, जहां सेना के दो ट्रेनी अफसर अपनी महिला मित्र के साथ घूमने गए थे। तभी 7-8 बदमाशों ने आर्मी अधिकारी की कार के पास पहुंचे व मारपीट करने के साथ उन्हें बंधक बना लिया और जो भी उनके पास सामान था लूट लिया। दोनों महिला मित्र को बंधक बनाकर सेना ने ट्रेनी के दोनों अधिकारियों को 10 लाख लाने के लिए छोड़ा, जिन्होंने मोबाइल टावर लोकेशन में आकर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद तत्काल एसपी हितिका वाजल, एएसपी रूपेश द्विवेदी घटनास्थल पर पहुंचे, ग्रामीणों से जानकारी ली और क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे। अभी तक घटना का शिकार हुए अधिकारी के बयान नहीं हुए, मामले में पुलिस जांच कर रही है। ग्रामीण एसपी हितिका वासल ने बताया कि पुलिस की 5 अलग अलग टीम बनाकर आसपास के क्षेत्र में आरोपी की तलाश के लिए भेजी गई है। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इंदौर से रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। पुलिस को सूचना आई थी कि जामगेट के दो आर्मी ऑफिसर्स और उनके साथ दो लड़कियां गई थी शाम को घूमने के लिए, और वो लोग देर रात वहां पे मौजूद थे। जबकि उसी टाइम पे कुछ लोग 6-7 लोग अभी बताया जा रहा है कि पीछे से आए और उनसे हमला किया, उनके साथ मारपीट की और दो लोगों को वहां पे बिठा के दो लोगों से बोला कि तुम लोग जाकर 10 लाख रुपए लेकर आओ, और दो लोगों को उन्होंने कहीं पे बिठा के रखा। अभी बताया जा रहा है कि जो दो लोग वहां पे रुके हुए थे उनके साथ भी काफी गंभीर तरह से मारपीट की गई है। पुलिस इस पूरे मैटर को बहुत गंभीरता से देख रही है। अभी पुलिस ने 4-5 टीम्स बनाई हुई है जो लगातार इसके लिए सर्चिंग भी कर रहे हैं और आरोपियों को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो चड्डी बयानदारी नहीं थे, वो प्रॉपर वहीं के आसपास के लोग हम लोगों को लग रहे हैं, और इस पर पुलिस पूरी तरह से 5 टीम सभी सारे थानों की लगी हुई है और सभी TIs 5 TIs और पुलिस की बहुत सारी फोर्स अभी लगातार सर्चिंग कर रही है कि ये किसके द्वारा किया गया। फरियादी जो बता रहा है वो बता रहा है कि जो घटना का शुरू का टाइम है वो अराउंड 2:30-3 बजे के शुरू का टाइम है, परंतु उसमें दो लोग जो थे वो वहां से निकल गए थे क्योंकि उनको आरोपियों द्वारा ही भेजा गया था 10 लाख रुपए देने, तो उनके द्वारा जो बताया गया है वो काफी लेट बताया गया। पुलिस को ये फरियादी लोगों ने पहले क्या कहते 1 घंटे बाद अपने कमांडिंग ऑफिसर को अराउंड 4:30 बजे के करीब अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया, जिनके द्वारा कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद, हमारे TI भी रात्रि गश्त थे वो वहां पे पहुंच गए। ये अभी पूछा जा रहा है, फरियादियों से डिटेल में बात की जा रही है कि उनसे क्या लेने कर रहे हैं।